तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ आपको लारावेल में सेशंस आप कैसे यूज कर सकते हैं, और मैं एक लॉग इन एंड लॉग आउट तक का पूरा एग्जांपल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे ये कुछ स्टेप्स हैं। हम लॉग इन फॉर्म क्रिएट करेंगे, स्टोर करेंगे डेटा को सेशन में, गेट भी करेंगे एंड देन डिलीट भी करेंगे सेशन से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक हम कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड देन हमने यहाँ पे लगा देते हैं लॉग इन कंट्रोलर, लॉग इन कंट्रोलर। ठीक है, एंड देन सिंपल में यहाँ पर लॉग इन कंट्रोलर बन चुके हैं हमारे। कुछ व्यूज रख लेते हैं, लाइक एक होगा हमारा लॉग इन डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, एक हम रख लेते हैं यहाँ पर होम डॉट ब्लेड डॉट PHP, होम डॉट ब्लेड डॉट PHP, जब हम रिडायरेक्ट करवाएंगे उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक H1 लगा देते हैं, यूजर लॉग इन, एंड देन यहाँ पर एक हम जल्दी से फॉर्म सेटअप करते हैं। तो मेथड रख लेता हूँ मैं पोस्ट यहाँ पर, क्योंकि आपको भी पता है पोस्ट ही रखते हैं आप। एंड देन यहाँ पर मैं कुछ इनपुट टाइप बनाऊंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम लग लेता हूँ इधर यूजर नेम, एंड देन यहाँ से मैं एक प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर लगाया मैंने यहाँ पर, लिख दिया एंटर यूजर नेम, एंड देन BR, जैसे कि हमें थोड़ा नीचे समझ में आए। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर लगा देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड, एंड देन यहाँ पे मैं नेम पासवर्ड रख देता हूँ और इनपुट टाइप भी पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है, एक बटन बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा लॉग इन, ये हमारा बन चुका है। यहाँ पर @CSRF जरूर पास करें, वरना आपको यहाँ पर पता ही है कि एक आपको मिल जाएगी एरर। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंट्रोलर को लोड कराऊंगा सबसे पहले यहाँ पर। तो हमारा जो कंट्रोलर का नेम है वो है यूज, सॉरी पाथ जो है उधर डरा हुआ है, यूज एप HTTP कंट्रोलर्स। ठीक है, एंड देन क्या कंट्रोलर का नेम है, लॉग इन कंट्रोलर। ठीक है, यही नेम है आपका। एंड देन हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे सेव। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं ना अपने जो है राउट्स वगैरह सेट कर लेता हूँ कि हमें एक लॉगिन फॉर्म दिखाई दे। तो राउट कॉलन कॉलन व्यू, एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉगिन, जैसे ही कोई राउट डालेगा तो उसे लॉगिन दिख जाएगा जो हमारा ऑलरेडी था। ठीक है, लॉगिन फॉर्म, एंड देन होम पर कोई जाता है तो उसे होम दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने सेटअप कर लिया है। एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, पर उससे पहले मैं एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि मेरे में कैसे वगैरह रह जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन डालता हूँ, तो आपका जो है लॉगिन फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑटो फिल है मेरा डेटा, जो कि ऑटो फिल कर लेता है ऑटोमेटिकली। अब देखिए मैं यहाँ से जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो ये पोस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड बता रहा है, क्योंकि जो है हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप किया है। मैंने देखिए होम वाला हटा दिया अभी फिलहाल में, टेंशन ना लें। तो यहाँ पर मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ उसे। यहाँ पर मैं करूंगा एक राउटर बनाऊंगा जो कि मैं लॉगिन के लिए बनाने वाला हूँ, कॉलन कॉलन पोस्ट, एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन पर ही रहेगी हमारी जो पोस्ट है, पोस्ट मेथड, एंड देन जो हमारे कंट्रोलर का नेम है वो क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन कंट्रोलर। एंड देन ये देख लीजिएगा आपका पाथ सही है, यानी ऐप HTTP कंट्रोलर्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप क्या करें, कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन लॉगिन नाम का हम यहाँ पर एक मेथड यूज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं पब्लिक फंक्शन, एंड देन यहाँ पर हम अपना मेथड बनाते हैं जिसमें हम क्या है, रिक्वेस्ट REQ नाम का एक पैरामीटर पास करते हैं, डॉलर REQ UEST, एंड देन यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न करा देते हैं। अगर आपको मिल जाता है सही तरीके से डेटा तो आप उसको क्या करा रहे हैं, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट में जितना डेटा आया उसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सिंपल लॉग इन, चलिए मैंने एक बार डेटा को यहाँ से सबमिट करते हैं, पर उससे थोड़ा पहले ये है कि ऑप्टिमाइज जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे में ना कैसे वगैरह रहता बहुत है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करूंगा एंड देन लॉग इन करता हूँ। तो आपको जो है डेटा मिल चुका है, मतलब आपका जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है। अब मैं इस डेटा को सेशन में रखूंगा, सेशन में आप कैसे रख सकते हैं, तो मैं चाहूंगा ओनली मेरा जो यूजर नेम है, लाइक मेरी ईमेल है, वही मैं चाहूंगा कि वो ही मेरा दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर डेटा, जिसमें मैं क्या करूंगा अपना जो नेम है लॉग इन में, लॉग इन फॉर्म जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है,
और मैं यहाँ पर इसे सेशन में पुट कराऊंगा, तो सेशन में आप कैसे पुट कर सकते हैं, तो आपको पता होगा डॉलर रिक्वेस्ट नाम का जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसके पास एक सेशन नाम का एक मेथड होता है जिसमें हम पुट नाम का एक मेथड कॉल कर रहे होते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं की पेयर पास कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर पास कर रहे हैं यूजर नेम, तो आप यहाँ पर उसका डाटा दे दें, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉलर डेटा। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा डेटा स्टोर हो तो आप इसे हटा दीजिए, सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं इको करा लेता हूँ, इको सेशन, ठीक है, जो भी मेरा सेशन में होगा क्या नेम है मेरा, यूजर नेम, तो मैं इसी को यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। तो ये हटा दीजिए, स्लैश लग गया गलती से। एंड देन मैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ईमेल दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ईमेल दिख चुकी है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इसे जो है रिडायरेक्ट कर दूंगा अपने रिटर्न रिडायरेक्ट, किस पर रिडायरेक्ट करूंगा मैं, होम पर, जो कि मैंने होम बनाया हुआ है, ठीक है, होम पर बनाया हुआ है जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप है, होम व्यू, ठीक है। एंड देन होम पर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा H1 होम, वेलकम ऑन होम पेज, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक पैराग्राफ में क्या कि हेलो। एंड देन जो सेशन में डेटा है उसको हम यहाँ पर कैसे गेट करते हैं, सेशन नाम का आपको यहाँ पर मेथड यूज करना है। एंड देन सेशन सेशन जिसमें आपका क्या है डला हुआ है, सॉरी यूजर नेम, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन आप देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से, तो देख सकते हैं गाइस कि वेलकम ऑन होम पेज पर आ चुके हैं, हेलो संदीप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ से हिट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ से बेल का यहाँ पर देखिए, अभी मैं जो है लॉगआउट भी बनाऊंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ से एक बार लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी आपको एक प्रॉब्लम समझ में आई होगी, देखिए मैं होम पर जा रहा हूँ तो मेरे को सेशन स्टोर है पर मैं लॉग इन पर आ पा रहा हूँ, पर ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर सेशन एग्जिस्ट करता है तो हमें वहीं पे रिडायरेक्ट करा देना होम पर। तो हम कैसे कर सकते हैं वो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना web.php में, आप क्या करें, ये जो आपने राउटर बना रखा ना ऊपर टॉप पर, तो इसमें क्या करें आप यहाँ पर यहाँ से मैं गेट रिक्वेस्ट बना लेता हूँ इसको, ठीक है। अगर वो लॉगिन करता है तो मैं यहाँ पर एक मेथड, इनर मेथड पास करूंगा इसमें, इनर फंक्शन जिसे आप बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि इफ इफ सेशन हैज क्या है यूजर नेम, ठीक है। अगर उसके सेशन में अगर यूजर नेम मिल जाता है, बाय द वे अगर उसे सेशन में यूजर नेम मिल जाता है तो हम क्या कराएंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ पर करा देंगे हम उसे, होम पर, ठीक है। तो रिटर्न रिडायरेक्ट होम, एंड देन अगर उस ऐसा नहीं है सेशन में डेटा नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ पे करा देंगे, रिटर्न व्यू करा देंगे हम बेसिकली यहाँ से लॉग इन, ठीक है। तो अब देखिएगा गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो अभी देखिए जैसे मैं लॉगिन को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट डाली हुई है मैंने, लॉगिन को एक्सेस कर रहा हूँ, अगर सेशन में डेटा होगा होता है तो ये क्या करेगा, हमें डाल देगा उधर, वरना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लॉगिन करते हैं, एंड देन होम पर गए, यहाँ से मैं लॉगिन पर जाता हूँ, लॉगिन, तो लॉगिन पर आ रहा है क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर हमें से, कि आपने गेट डाला यूजर नेम है या नहीं ये चेक किया, अगर रिटर्न रिडायरेक्ट कर देगा अगर उसमें होम है तो सॉरी रिटर्न व्यू कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने जो है ऊपर राउट नहीं पास किया है यहाँ पर, या तो आपको उधर डालना था या उधर डालना था नीचे, तो अब सही तरीके से चलेगा बेसिकली, अब हम यहाँ पर रिडायरेक्ट यहीं पर लगा देते हैं रिडायरेक्ट। तो पहले हमने जो है राउटर पास पहले नहीं किया था और उससे पहले हम रिडायरेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, तो गाइस ठीक है, तो लॉगिन करते हैं, एंड देन लॉगिन पर गए हम, यहाँ से जाता हूँ मैं लॉगिन, चाह रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया अपना प्रोजेक्ट यार, ऑप्टिमाइज काफी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है यार, मेरा यही उसूल रहा है इस प्रोजेक्ट में। देख सकते हैं गाइज आप जो है आपका जो है होम पर रिडायरेक्ट हो रहा है, अगर मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ तो मैं देख सकते हैं गाइज होम पर रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा यार ऑप्टिमाइज करना, थोड़ा कैसे वगैरह को रिमूव करना काफी देख लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो अब ये मेरा बेटर वे में चल रहा है, अब मैं जो है लॉगआउट की फंक्शनलिटी ऐड करूंगा इसमें, तो लॉगआउट के लिए हम यहाँ पर जाते हैं होम डॉट प्लेट डॉट पीएचपी में, और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग बनाऊंगा, सॉरी
एंकर टैग, और जिसमें मैं पास कर देता हूँ लॉग आउट, एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, तो ये मैंने इतना काम कर दिया, ठीक है, लॉग आउट कर दिया यहाँ से। जैसे कोई लॉग आउट पर क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पर जो है एक राउटर सेट कर लूंगा लॉग आउट नाम का, तो राउट कॉलन कॉलन गेट रिक्वेस्ट है जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऊपर वाला जो है लॉग इन वाला, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर नीचे पास कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ लॉग आउट, जो कि हमारा ऑलरेडी था। ठीक है, अगर यूजर नेम है उसमें, अगर यूजर नेम है तो हम क्या कराएंगे उसमें से जो है सेशन को जो है नल करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेशन नल, सॉरी पुल, पुट करेंगे इसमें वो, सॉरी पुल, पुट और पुल में फर्क समझिएगा, पुट पुट करने के लिए होता है, पुल उसमें से खींचने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, जो हमारा यूजर नेम है उसमें क्या कर देते हैं, हम एक नल पास कर देते हैं, नल। ठीक है गाइस, इतना काम करना है, एंड देन आप क्या करें यहाँ से रिटर्न करा दें रिडायरेक्ट लॉग इन, रिडायरेक्ट लॉग इन। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको। देखिए अब आपकी जो है लॉग इन और लॉग आउट की फंक्शनलिटी ऐड हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया यार, ऑप्टिमाइज करना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ से सर्व कर देता हूँ, एंड देन यहाँ से हमारा रिफ्रेश करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन पुल। तो पुल में हमने क्या किया है यहाँ पर, सॉरी हाँ, हमने यहाँ पर एरो नहीं लगाई है, तो एरो नहीं लगाई थी इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम यहाँ से दोबारा जाते हैं लॉगिन पर, देखते हैं लॉगिन में क्या होता है। तो देखिए अभी भी हमारा सेशन एग्जिस्ट करता है, लॉग आउट किया मैंने, तो लॉग आउट अभी देखिए मेरे को दोबारा से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं दोबारा आपसे ऑप्टिमाइज करता हूँ, एंड देन दोबारा जाता हूँ लॉग इन पर, तो अभी हमारा सेशन एग्जिस्ट करता है, लॉग आउट किया, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए लॉग इन करता हूँ, लॉग इन हो गया, और मैं यहाँ से लॉग इन पर जा नहीं सकता दोबारा, एंड देन यहाँ से मैं लॉग आउट करके ही जा सकता हूँ। ठीक है, तो लॉग आउट किया मैंने, तो ये हमारी पूरी फंक्शनलिटी ऐड हो चुकी है। हमने देख लिया फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं सेशन में डेटा, कैसे हमने गेट भी किया और कैसे हमने सेशन को डिलीट भी किया। तो आई थिंक आपको पसंद आई, तो यार वीडियो को यार लाइक करें, शेयर करें, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अलविदा, एंड देन इसे यूज करें, सेशन काफी बेटर होता है आपके लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।